ये ऐसा मोटर है जिसमें आपको मकनातीस दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको पुरानी 1.5 वोल्ट की बैटरी, मोटर वाइंडिंग का तार, पिन वगैरह दरकार होंगी। 1 मीटर लंबी मोटर वाइंडिंग का तार लें और इसे 1.5 वोल्ट की बैटरी पर गोल गोल करके बांध लें। फिर इसको बाहर निकालें और इसे दोनों सिरों पर एक एक गांठ लगाकर सीधा बाहर निकाल दें। अब एक ये रहा पहला सिरा और ये दूसरा। अब आपकी कॉइल तैयार है। अब इसके सिरों को छील दें ताकि इंसुलेशन पूरा निकल जाए। फिर दूसरी तरफ सिर्फ 3 तरफ ही छीलें, ऊपर, दाएं और बाएं। यहाँ एक तरफ इंसुलेशन रहेगा जो एक स्विच का काम करेगा। यहाँ आप बिल्कुल वाजे देख सकते हैं। फिर एक सिलाई मशीन की बॉबिन लें और इसमें भी इंसुलेशन का कॉपर वायर लें और इसे गोल गोल करके बांधें जब तक बॉबिन मुकम्मल भर जाए। इस तार के दोनों सिरों को भी खुरच कर इनका इंसुलेशन निकाल दें। दोनों तरफ जब आप छील देंगे तो बिल्कुल चमकीला तांबा नजर आएगा। फिर एक साइकिल ट्यूब का रबर बैंड लें और इसे 1.5 वोल्ट की नई बैटरी पर चढ़ाएं और 2 लंबी सेफ्टी पिन लें। इन सेफ्टी पिन को साइकिल ट्यूब और बैटरी में इस तरह फंसाएं कि दोनों पिन मस्बत और मनफी के साथ जुड़ी हों। इन दोनों के दरमियान 1.5 वोल्ट का वोल्टेज होगा। अब बॉबिन को लेकर बैटरी पर रखें और इसके दोनों सिरों को सेफ्टी पिनों पर बांध लें। जब आप बांधेंगे तो बॉबिन में बरकी बहाव जारी होगा और बरकी मकनातीस बन जाएगा। फिर अपने बनाए हुए इस कॉइल को दोनों सेफ्टी पिन के दायरों में दाखिल करके हल्के से झटका दें तो इसमें बर्क गुजरेगी और मोटर पर फर करके चलेगी। अगर आप एक मकनातीस को ऊपर लाएंगे तो मोटर की रफ्तार कम होगी और अगर उल्टा करेंगे तो तेजी से घूमने लगेगा।